हे hey दोस्तों, आपका स्वागत है फेसबुक ट्रैवल में, जहां हम लाए हैं आपके लिए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट से जुड़ी बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट्स। चलो फिर बिना कोई देरी करे शुरू करते हैं। आज की पहली खबर आपको बता दें, यूके से आ रही है, जहां यूके ने लगभग 33 कंट्रीज की लिस्ट अनाउंस की है। और आप अगर इन कंट्रीज से यूके आते हैं तो आपको 10 दिन के मैंडेटरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना होगा, जिसका खर्चा पैसेंजर्स को खुद ही करना होगा। आपको बता दें, इंडिया का नाम इस लिस्ट में नहीं है। अगर आप इन कंट्रीज की पूरी लिस्ट देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगली बड़ी ट्रैवल अपडेट आ रही है कुवैत से। दोस्तों आपको बता दें कि कुवैत ने बीते कल यानी 7 फरवरी से कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए अपनी सभी इंटरनेशनल बॉर्डर क्लोज कर दिए हैं। मतलब अब कोई भी जो कुवैत का नागरिक नहीं है वो कुवैत नहीं जा सकता या कुवैत में एंट्री नहीं कर सकता। हालांकि कुवैत गवर्नमेंट ने इस रूल को जल्द ही हटाने के संकेत भी दिए हैं। अगली अपडेट दोस्तों H1 वीजा को लेकर आ रही है। आपको बता दें, जैसा हमने आपको पहले अपडेट दिया था कि जल्द ही H1 वीजा फिर से स्टार्ट होने वाला है, उसके ऊपर एक बड़ी अपडेट आ गई है। दोस्तों आपको बता, आने वाली 9 मार्च से 25 मार्च के बीच H1 वीजा के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन साथ ही अमेरिका ने कहा है कि वो सिर्फ 65,000 एप्लीकेशंस को ही एक्सेप्ट करेगी। अगली ट्रैवल अपडेट यूएई से आ रही है। आपको बता दें, यूएई ने 12 कंट्रीज की ग्रीन लिस्ट जारी की है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भूटान, ब्रुनेई, चाइना, ग्रीनलैंड, हांगकांग, आइसलैंड, मॉरिशस, मंगोलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अरेबिया और सिंगापुर शामिल है। दोस्तों अगर आप इन कंट्री से यूएई में ट्रैवल करते हैं, आपका सिर्फ कोविड टेस्ट होगा और आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो आपका कोई क्वारंटीन नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो आपको 7 दिनों का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन और 7 दिन का होम क्वारंटीन होगा। अगली अपडेट डोमेस्टिक फ्लाइट्स को लेकर है। आपको बता दें, एयर इंडिया ने कोलकाता से अगरतला, मुंबई से नागपुर, इम्फाल से दिल्ली और मुंबई से तिरुपति के लिए नॉनस्टॉप फ्लाइट शुरू कर दी हैं, जिनकी बुकिंग एयर इंडिया की वेबसाइट से या किसी भी ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंसी से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप हमारी इस वीडियो को भी अप्रिशिएट करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक रखें अपना ख्याल। टेक केयर, बाय बाय।